Very good morning. Today is 24 December and it is the Consumer Rights Day. Consumer Rights Day means बच्चों उपभोक्ता कानून का अधिकार. तो आज इस ऑनलाइन जो शॉपिंग का ट्रेंड आया है और जिसमें सभी लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इस पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता, हमारे कौन से राइट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए और जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी चीज़ों के प्रति धोखा न खा सकें. तो बच्चों, हमारे पास राइट्स जो हैं उसमें पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, कि जो भी सामान आप खरीदते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होने चाहिए, वो आपके शरीर को और आपके जो काम करने की प्रणाली है उसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए. जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके नीचे उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि वो किस मटेरियल का बना है. अब खाने की ही बात है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एलर्जी होती है कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों को लैक्टोज से ही एलर्जी होती है, तो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं तो उसको पढ़ के आपको लेना चाहिए. तो ये आपका राइट है. और वो उपभोक्ता जो है, वो जो बना रहा है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर मेंशन करें कि कौन कौन सी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स उन्होंने किस रूप में डाले हैं. तो ये है राइट टू सेफ्टी. उसके बाद आता है राइट टू चूज़. मार्केट में तमाम चीज़ें हैं, तमाम ब्रांड्स हैं. अब आप तो देखते हैं ब्रांड्स, आपके पास ऑप्शंस हैं, कलर ऑप्शन है, मटेरियल ऑप्शन है, स्टफ़ ऑप्शन है, रेट ऑप्शन है. ये आप अपनी पॉकेट के अनुसार, कि जितना आपके पास पैसा है आप अपनी पैसे के अनुसार अच्छी चीज़ खरीद सकें, ये आपका एक राइट है. फिर आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. सपोज़ आपने कैमरा ख़रीदा, तो जिस कंपनी का कैमरा ख़रीदा, ये उसका ड्यूटी है कि वो आपको उस कैमरे की वर्किंग के बारे में बताएं. जैसे आप फ़ोन ख़रीदते हैं, आप कोई भी गैजेट ख़रीदते हैं, आप लैपटॉप ख़रीदते हैं, आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं, तो उसका एक वारंटी पीरियड होता है, उसकी कुछ चीज़ों की गारंटी होती है कि अगर विद इन टाइम फ्रेम वो चीज़ें ख़राब होती हैं तो आप कंपनी को वापस करेंगे, कंपनी उसको बिना पैसा लिए आपको ठीक करके देगा, और अगर डैमेज है तो उसको रिप्लेस भी करेगा. तो ये आपका राइट है, राइट टू चूज़. नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर एजुकेशन मींस कि आपको उसके पार्ट्स, उसके बारे में आपने देखा होगा, एक सिंपल सा अगर आप एक डाई कलर भी लेने जाते हैं तो उसके ऊपर पूरी पैम्फलेट लिखी होती है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कैसे इसको मिक्स करना है, कैसे घोलना है, कैसे लगाना है, कितने मिनट इस्तेमाल करना है, उसका एलर्जी टेस्ट कैसे करना है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है और जिसका आपको यूज़, उसको पढ़ के आपको इस्तेमाल करना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन. उसके बाद आता है राइट टू बी हर्ड. सपोज़ आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है और उसमें जो खामियां हैं, आपको पहले तो कंपनी ने कहा कि इसमें ये ऐसे वर्क करेगा, इतने घंटे इसकी बैटरी चार्ज रहेगी, या कोई भी चीज़ें हैं जिसको कि आपको जो उन्होंने कहा उसके अनुसार वो वर्क नहीं कर रहा और अब आपकी कंप्लेंट को वो एड्रेस नहीं कर रहा, मींस आपकी बात को सुन नहीं रहा. तो हमारे पास तीन प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए. उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आता है स्टेट कोर्ट, एंड देन उसके बाद आपका आता है नेशनल कोर्ट. तो जो भी प्रोडक्ट 23 लाख रुपए से नीचे तक के अमाउंट के होते हैं वो स्टेट लेवल पे ही उन डिस्ट्रिक्ट, मतलब कंप्लेंट्स को सॉल्व कराया जाता है. उसके लिए आपको बहुत आगे हायर अथॉरिटीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती. आपके शहर में भी कंज्यूमर फोरम जो है वो कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना हक जो है वो ले सकते हैं.
अगर आपका प्रोडक्ट 23 लाख से ऊपर का है, 1 करोड़ तक का है, तो आपको स्टेट कोर्ट में अपनी कंप्लेंट देनी होती है और वहाँ से आप अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी जो भी डैमेजेस हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर का है देन आपको हाई कोर्ट जाना होता है। तो ये है आपके कंज्यूमर राइट। तो बच्चों, अगर समझदारी से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के पूरे राइट्स हैं। तो हैप्पी कंज्यूमर्स डे, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।